स्वागत है फ्रेंड्स आपका डिजिटल तैयारी पे। कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकंड पार्ट को आज अपन शुरू करेंगे। पहला पार्ट आ चुका है, आरएस अग्रवाल की जो इंग्लिश वाली बुक है उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट वन कर चुके हैं जिसके अंदर अपन ने 7 से पहले वाले सवाल किए हैं। 8वां सवाल पार्ट टू से शुरुआत करते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो इस वीडियो का पहला सवाल पहले आप खुद ट्राई करेंगे फिर सॉल्यूशन चेक करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। अ कस्टमर डिपॉजिट्स 1600 रुपीज ईच ऑन 1st जनवरी एंड 1st जुलाई ऑफ अ ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज। आपको यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट उसने कितना कमाया वो आपको फाइंड करना है। देखो हुआ क्या कि साल की शुरुआत हुई और यहाँ पे साल खत्म हुआ, ये है अपने पास 1 जनवरी। यहाँ पे 6 महीने के बाद, एग्जैक्ट 6 महीने के बाद क्या आता है, 1st जुलाई आता है। ठीक है, तो हुआ क्या, एक आदमी ने 1600 रुपए तो 1 जनवरी को जमा कराए और 1600 रुपए 1 जुलाई को जमा कराए। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको 5% मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा हाफ ईयरली बेसिस पर मिल रही है। तो हाफ ईयरली बेसिस पर मैंने आपको बताया है कि 12 महीने की रेट आपको दे रखी है 5%। 5% पर एनम होता है नॉर्मली सवालों के अंदर जो रेट गिवन होती है, उसके पास अगर पर एनम नहीं लिखा है तो वो पर एनम ही मानना है। यानी ये जो 12 महीने की रेट है 5%, तो हाफ ईयरली यानी 6 महीने की रेट कितनी होगी, आप क्या कर दोगे, 5/12 × 6 यानी ऑल इन ऑल हुआ क्या है, 5 का आधा यानी 2.5% कितना हो गया, 2.5%। यहाँ तक क्लियर है, रटना नहीं है आपको कि हाफ ईयरली दिख गया तो दर को आधा करना है। क्लियर है, लॉजिक पता होना चाहिए। अगर लॉजिक पता है तो आप डायरेक्टली कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, हाफ ईयरली बेसिस पर उसको 2.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि एक साल के एंड में टोटल इंटरेस्ट कितना कमा लेगा। तो हुआ क्या, देखो ये जो 1600 रुपए है वो 2 बार कंपाउंड होगा। एक बार कंपाउंड होगा, देखो किस तरीके से, एक तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आएगा। लेकिन ये जो है, ये वाला 1600 रुपए इस पर केवल देखो एक बार के लिए लग रहा है। तो इसको अपन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इस 1600 को लिख लेते हैं। ठीक है, 2.5% को अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1/40। क्या लिख सकते हैं, 2.5% को फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/40। 1/40 का मतलब क्या हुआ, 40 की चीज कितनी हो गई, 41 हो गई। अब यहाँ पे क्या, एक दो बार होगा, 40 से 41, अगेन 40 से 41, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 41/40 और 41/40। क्लियर है, इस 1600 का हिसाब किताब सारा हो गया। अब इस 1600 की बात करते हैं, तो इस 1600 के लिए अपन क्या लिखेंगे, 1600 × 41/40। क्लियर है, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना है और कैलकुलेट करके अपन को आंसर फाइंड करना है। यहाँ से हमें अमाउंट मिल जाएगी, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। किस तरीके से करते हैं, देखो इसमें और इसमें एक चीज कॉमन आ रही है, 1600 × 41/40। यहाँ से ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 41/40, और यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा, केवल क्या बचेगा, 1। ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं, यहाँ से जब इसको काटते हैं कितना मिल रहा है, 40। अपन को मिल रहा है फाइनली 40 × 41 × इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 40 और ये कितना हो गया, 81/40। क्लियर है या नहीं है, इन दोनों को मैंने काट दिया 40 से 40, तो मुझे क्या मिला, 41 × 81 कितना मिल गया, 41 × 81। 81 को 41 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना आएगा, 41 × 1 = 41, कैरी चला जाएगा 1, और 41 × 8 कर लेते हैं कितना आ रहा है, 8 और ये 32 कितना आ रहा है, 328 और 4 कितने हो गए, 328 और 4 आपके पास हो गए 332 कितने हो गए, 332। यानी ये जो 1600 रुपए 1 जनवरी 1 जुलाई को जमा करा रहा था वो फाइनली कितने बन जाएंगे, 3321 बन जाएंगे। अब 3321 में से 3200 रुपए तो प्रिंसिपल ही है, 1600 दो बार कराए इसका मतलब प्रिंसिपल है, तो 3321 में से 3200 चले जाएंगे, पीछे कितना बचेगा, 121 बच जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1/1। क्लियर है, आई होप ये वाला सवाल आपको पूरी तरीके से क्लियर है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1.5 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। 1.5 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ईयरली के लिए भी निकालना है, हाफ ईयरली के लिए भी निकालना है, और वहां से डिफरेंस कितना आ रहा है वो आपको चेक करना है। इसको करने का डायरेक्ट तरीका भी होता है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं बेसिक से ही, ताकि हर स्टूडेंट को ये लॉजिक क्लियर हो सके। डायरेक्ट तरीका केवल उन्हीं को समझ में आता है जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पूरा पढ़ रखा है मेरे से या किसी अदर टीचर से। फिलहाल बेसिक से चलते हैं ताकि हर स्टूडेंट को क्लियर हो सके ये चीज, और बेसिक करना भी खराबी नहीं है, इस सवाल में अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है।
देखो क्या हो रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना है। पहली चीज तो ईयरली कैलकुलेट करना है और अगली बार मुझे हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब मैं ईयरली कैलकुलेट करता हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपने पास कितनी है, देखो 4% पर एनम है। 4% पर एनम है यानी फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 1/25। 1/25 का मतलब क्या हो गया कि 25 की चीज 26 बन गई। आई बात समझ में? टोटल 1.5 साल है। देखो मैंने तो केवल अभी तक ये 1 साल का हिसाब किताब लिखा है, अभी ऊपर वाले 6 महीने का हिसाब किताब लिखना बाकी है। तो ये जो 4% पर एनम है वो तो 12 महीने की रेट होती है। 4% पर एनम तो 12 महीने की रेट है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है। आधे साल की रेट कितनी होगी, 6 महीने की रेट कितनी होगी, रेट आधी कर लो 2%। आई बात समझ? जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन में बताया था कि 12 महीने की रेट अगर 4% आप लगाते हो तो 6 महीने की रेट कितनी लगाओगे, 2%। 2% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 1/50। और 1/50 को यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 50 से 51। क्या लिख देंगे, 50 से 51। यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है? अब हाफ ईयरली की बात कर लेते हैं। हाफ ईयरली में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यही लगेगी 2%। हाफ ईयरली के लिए क्या होता है, 2% ही लगेगी, रेट आधा करते हैं। क्यों करते हैं फिर से पता होना चाहिए। 12 महीने की रेट अगर 4 है तो 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 6 महीने की रेट हो जाएगी आपकी 4/12 × 6। ये आपको क्लियर होना चाहिए। हालांकि अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। 2% को फिर से अपन क्या लिखेंगे, 50 से 51, 50 से 51 और 50 से 51। आई बात समझ में? ऐसा क्यों, क्योंकि 6 6 महीने के पैर जो है 1.5 साल में 3 बार आते हैं। 6 6 6 टोटल 1.5 साल 3 बार स्टेप में बनते हैं, इसलिए इसको मैंने 3 बार लिख लिया। यहां तक देखो पूरी तरीके से चीज क्लियर है या नहीं है? अब क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 50 × 50 × 50 और ये कितना हो जाएगा, 51 × 51 × 51। यहाँ पे ये कितना हो रहा है, देखो इसको अगर मैं लिखता हूँ 25 × 50 और ये कितना हो रहा है, 26 × 51। यहाँ तक क्लियर है? अब प्रिंसिपल तो सेम ही है। प्रिंसिपल कितना है, देखो सेम ही है, कितना है, 5,000 है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल देखो अलग अलग बता रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों प्रिंसिपल को इक्वल बना लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, दोनों प्रिंसिपल को इक्वल बना लेता हूँ। देखो ये क्या है, 50 × 50 × 50 है, तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, देखो 2 × 50 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, ताकि ये भी क्या हो जाएगा, देखो 50 × 50 × 50 बन जाएगा। हुआ क्या है, फाइनली मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं 26 × 51 × 100। देखो यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है या नहीं है ये चीज? ठीक है, अब इस चीज को अपन को आगे सॉल्व करना है और अपना आंसर क्या है वो अपन को फाइंड करना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये कितना होता है, 125 के पीछे 3 जीरो, ठीक है, और ये कितना होता है, देखो 00 26 बन जाए, 26 यहाँ पे चला गया कितना, 2। 26 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 130, और 130 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 132। यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000 और 2,000 एक्स्ट्रा, यानी 7,600, यानी 7,600 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ से देखो क्या होगा, 1,25,000 तो है ही है, इसके अलावा 51 का क्यूब आपको निकालना है। तो अगर आपको क्यूब की ट्रिक्स याद है जब, तो आप इसको डायरेक्टली कर लोगे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। और 51 का क्यूब जो है वो निकालना है आपको जब आपको पता चलेगा ये आता है 1,32,651, 1,32,651। कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं उनके क्यूब्स अगर आपको डायरेक्टली याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 तक तो आपको वैसे याद होने ही चाहिए। इसके अलावा 31, 41, 51, इन सब के क्यूब्स जो है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आता है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, यहां से देखते हैं इसका जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है। यहां से डिफरेंस देखो 7,651, कितना आ रहा है, 7,651, यहाँ पे लिख लेता हूँ 7,651। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 51 रुपए। ये जो डिफरेंस है वो क्या है, इंटरेस्ट का डिफरेंस है। यहाँ पे जो 1,50,000 है वो 1,50,000 नहीं है, कितना है, 5,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार इनको इरेज कर देता हूं मैं, स्क्रीन को थोड़ी साइड में करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं अपन, 5,000 के अंदर 1,25,000 का डिवाइड लगा लेते हैं ताकि मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल सके। और पूछा मुझे क्वेश्चन में 51 यूनिट की वैल्यू है, तो मैं 51 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, 0 से 0 सारे काट दिए। 5 जब मैं इसको काटता हूँ देखो कितना मिल रहा है, 25, और 51/25 जब मैं करता हूँ देखो 2 बार में तो पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, उसके बाद डिवाइड जा नहीं रहा है, और फिर भी नहीं जा रहा है, तो 1 जीरो लगाएंगे और 0 चला जाएगा, और फिर 4 बार में पूरा पूरा 100 कट रहा है, यानी अपना आंसर अपन को क्या मिल रहा है, अपना आंसर जो है वो कितना है, 2.04, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है?
इस क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अपन तब करेंगे जब इस चैप्टर को अपन इंडिविजुअली कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये वाला मेथड आपको क्लियर है, हालांकि कैलकुलेटिव है लेकिन इस मेथड को भी फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिस्टर दुग्गल इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द फर्स्ट ईयर एंड इन द नेक्स्ट ईयर इट वॉज कंपाउंडेड ईयरली। वॉट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। क्या हो रहा है कि 2 सालों बाद टोटल इंटरेस्ट कितना कमा रहा है वो आपको फाइंड करना है। 20,000 रुपए दुग्गल से आपने इन्वेस्ट किए थे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। 2 साल है उसमें क्या कह रहा है कि पहले साल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पर लगती है और अगले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली बेसिस पर लगती है, एनुअल बेसिस पर लगती है। अगर हाफ ईयरली बेसिस पर लगती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अपन क्या यूज करेंगे, 10% यूज करेंगे। 20 का हाफ कितना यूज कर देंगे, 10%। और 10% है तो अपन इसको क्या लिख लेंगे, 10 से 11। ये तो पहले साल की बात है, पहले साल में भी ये फर्स्ट 6 मंथ्स और ये लास्ट के 6 मंथ, ये 1 साल कंप्लीट हुआ है। अब 1 साल और बचा है, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअल बेसिस पर लग रही है और 20% को अपन क्या लिखते हैं, 1/5 यानी 5 to 6 क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, 5 to 6। क्लियर है पूरी तरीके से। 2 से काट लेते हैं 3 बार में, 2 से काट लेते हैं 5 बार में, ये कितना हो जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई कराने पर, 250। और ये हो गया कितना देखो, 121। 121 इंटू 3 करते हैं कितना मिल रहा है देखो, 363 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 363। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने पर अपन को क्या मिल रहा है, 113। और सॉरी डिफरेंस निकाल लेते हैं, 263 में से 250 का कितना मिल रहा है, 113। यहाँ तक क्लियर है। अपन को पूछा है क्वेश्चन के अंदर टोटल इंटरेस्ट, अपन को एक चीज और दे रखी है 20,000 रुपए। ये जो 250 है वो 250 नहीं है, एक्चुअल में कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 डिवाइडेड बाई 250 और इंटू में क्या करूंगा, 113, ताकि मुझे एक्चुअल जो इंटरेस्ट है वो मिल सके। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया। ये देखो इसको 80 टाइम्स कैंसिल कर रहा है, 0 आ गया। 8 × 3 = 24 यहाँ पे चला गया 2, 8 और 2 हो गए 10, यहाँ पे चला गया 1 और 8 और 1 कितने हो गए 9, यानी 9040, 9,040 रुपए ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अमाउंट ऑफ 19,200 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स एट 12% पर एनम। इस टाइप के सवाल को कैसे करना है, आप इस सवाल को ध्यान से समझना। जब भी आपको 3 साल लिखा हुआ मिल जाए सवाल के अंदर और आपको CI और SI का डिफरेंस निकालने को मिल जाए, तो फिर से मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कुछ लोग ट्री बना के भी सॉल्व कराते हैं, इस तरीके से ट्री बना बना के आप सॉल्व करते हो इस तरीके से। और मेरा जो मेथड है, मैं इसमें ट्री नहीं बनाता हूँ, मैं विदाउट ट्री एक फॉर्मूला यूज करता हूँ और उससे निकालता हूँ। हालांकि उस फॉर्मूले का भी एक रीजन होता है, डेरिवेशन होता है, बिल्कुल इस ट्री की तरह ही होता है, लेकिन उस फॉर्मूले को अपन डिस्कशन बाद में करेंगे। आप सिर्फ अप्लीकेशन उस फॉर्मूले की यहाँ पे सीखें, कैसे आया, डेरिवेशन क्या है, वो अपन जब चैप्टर करेंगे उसमें देखेंगे। फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, आप इसको मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप इस फॉर्मूले को ध्यान से समझें और यूज लें। किस तरीके से करना है, जब भी 3 साल सवाल के अंदर आपको मिल जाए, ठीक है, जब भी 3 साल आपको सवाल के अंदर मिल जाए, CI और SI का डिफरेंस आपको पूछ लिया जाए, CI और SI का डिफरेंस आपको पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है कि D³, यहाँ पर आपको लिखना है N³ + 3N²D। बस ये इतनी सी चीज लगा दोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये जो चीज होगी वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी, ये जो चीज होगी वो CI - SI को रिप्रेजेंट करेगी। आई बात समझना, ठीक है। यहाँ पर D क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, N क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है, किसका, जो रेट दे रखी है उसका, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे समझते हैं। 12% जो है इसको आप अगर फ्रैक्शन में लिखते हो तो आप क्या लिख लोगे, 3/25। क्या लिख लेंगे अपन यहाँ पे, 3/25। यहाँ तक क्लियर है। अब 3/25 में ये तो हो गया अपना N और ये अपना क्या हो गया, D, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का क्यूब यानी क्या कर लेंगे, 25 का क्यूब। अगेन देखो यहाँ पे क्यूब की जरूरत पड़ी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। इसके अलावा जो 31 है, 41 है, 51 है, उन सबके क्यूब भी आपको याद होने चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है, बस कैलकुलेटिव सवाल इसके अंदर ज्यादा बनते हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एन का क्यूब यानी कितना हो गया देखो, 3 का क्यूब, और उसके बाद 3 का क्यूब हो गया, उसके बाद प्लस
तीन इंटू एन का स्क्वायर यानी कितना होगा, तीन का स्क्वायर इंटू डी यानी कितना हो जाएगा, देखो 25। यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है? 25 का क्यूब कितना होता है, 15625। आई होप याद होगा आपको, अगर याद नहीं है तो देखो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद तीन का क्यूब यानी कितना हो गया 27, उसके बाद यहाँ पे कितना हो रहा है देखो 27, 27 इंटू 25 ये कितना हो रहा है देखो 27 इंटू कितना हो रहा है 25, 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है, और दो एक्स्ट्रा है यानी 50 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 675। यहां तक पूरी तरीके से चीज क्लियर है? ये जो चीज है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल को, और ये जो चीज है किसको रिप्रेजेंट करती है, सी आई माइनस एस आई को। ये जो है एक्चुअल में कितना है 19200 है, तो इसके अंदर जब मैं 15625 का डिवाइड लगा दूंगा मुझे एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और इंटू मैं कर दूंगा 675 ताकि मुझे 675 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, और वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? स्लाइड को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि अपन कैलकुलेशन कर सकें। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को आगे, 25 से काटते हैं, देखो 25 से ये दो बार में कट रहा है, 25 से कितनी बार में कट रहा है, दो बार में, 50 तक पीछे कितना बच रहा है 17, 17 आगे चला जाएगा, 7 बार में उसको 175 को काट दिया। यहाँ पे काटते हैं देखो 25 से काटता हूँ 150 तक, तो देखो पूरा पूरा कट रहा है 6 बार में, 6 आगे चला जाएगा 2 बार में, 12 आगे चला जाएगा 5 बार में, देखो यहाँ तक पूरी तरीके से चीज क्लियर है। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, 25 से इसको काटता हूँ देखो 25 बार में कट रहा है, 25 से जब मैं ऊपर वाले को काटता हूँ तो 175 तक 7 बार में पूरा पूरा कट रहा है, पीछे कितना बच रहा है देखो 175 192 में से आप माइनस करोगे कितना बच रहा है 17, कितना बच रहा है देखो 17 इसके पास जाएगा, तो 6 तक यानी 150 तक पूरा पूरा जा रहा है, 20 आगे चला जाएगा यानी 8 तक पूरा पूरा उसको काट रहा है, कितना मिल रहा है एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 768 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 25। देखो यहाँ तक पूरी तरीके से चीज क्लियर है, ठीक है। अब एक बार अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन अगर पास में है या दूर है मैं एक बार देख लेता हूँ, ऑप्शन जो है काफी दूर है, अपन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हैं। देखो किस तरीके से करना है, यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ 1 मिल रहा है, पॉइंट 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, देखो डिवाइड जा नहीं रहा है, ठीक है, यानी फिर से एक बार और 0 लगाते हैं कितना आएगा 08, 1.08 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं 768, ठीक है, और 768 के बाद उसको 0.08 या 0.8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो अप्रोक्सीमेट में कुछ आपको मिलेगा, वो होगा या तो 700 के समथिंग में या 800 प्लस कुछ कम अमाउंट में। अगर अपन ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन के अंदर देखो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए वो तो आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन ए जो है अपना 721 वाला, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 722 वाला, ये अपना आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, या तो अपना आंसर ये होगा या अपना आंसर क्या होगा ये, या तो बी होगा या फिर सी होगा। आप इसको एक बार सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं एक्चुअल आंसर इसका क्या है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आगे बढ़ा देता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, देखो डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं कितना आ रहा है 64, यहाँ पे चला जाएगा 6, 48 और 6 कितने होगा 48 और 6 हो गए 54, यहाँ पे चला गया 5, और 56 और 5 कितने हो गए 56 और 5 हो गए आपके पास 61। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये 61.44 आपको इसके अंदर ऐड करना है, कितना मिल जाएगा 449121, 829 पॉइंट समथिंग इसका कुछ आंसर है, चेक कर लेते हैं 829 पॉइंट समथिंग में कुछ है ऑप्शन के अंदर, अगर अगर ऑप्शन के अंदर नहीं है हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं अपन एक बार, मैं एक्चुअल इसको जो आंसर है वही निकाल के देख लेता हूँ। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं 27 को ही 768 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यहाँ पे मैंने जब 27 को 768 से मल्टीप्लाई कराया तो अपन को मिल जाएगा 27 इंटू 8 6 आ जाएगा यहाँ पे, फिर कैरी लगा दिया 27 इंटू 6 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा 2736, और डिवाइड में क्या है 25। इसको देखो सॉल्व करते हैं, 8 बार में तो पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या है 75 है, 75 है मतलब दो बार में पूरा पूरा कट रहा है, दो बार में पूरा पूरा अगर कट रहा है तो उसके बाद दो बार मैंने अगर इसको काट लिया यानी 50 तक काट लिया 23 आगे भेज दिया, 23 अगर आगे भेज देता हूँ 8 बार में कट रहा है, अगेन 828 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी इसका आंसर अपन ने जो अप्रोक्सीमेट से निकाला था वही सही है, नन ऑफ दीज जो है इसका एक्चुअल आंसर है। फिर भी आप एक बार कैलकुलेट सही से करके देख ले, मैंने करके देख लिया 828 या 829 पॉइंट समथिंग को जिसका आंसर आ रहा है, नन ऑफ दीज जो इसका आंसर एकदम सही है, ठीक है। लॉजिक आई होप पूरी तरीके से क्लियर होगा आपको किस तरीके से इस सवाल को करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है,
नेक्स्ट सवाल है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन अ सम ऑफ 15,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12.5%। देखो 12.5% है, इसको सबसे पहले तो फ्रैक्शन के अंदर लिख लेते हैं, क्या होता है ये 1/8। यहाँ पे इस बार ध्यान रखना है 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स को कैसे डिस्कस कैसे सॉल्व करना है वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। 2 ईयर्स के लिए किस तरीके से करना है वो अपन देख लेते हैं कि एक तरफ तो वही प्रिंसिपल लिखेंगे, एक तरफ सी आई माइनस एस आई लिखेंगे। जो भी रेट दे रखी है उसका स्क्वायर आपको लिखना है। स्क्वायर क्या होगा इसका, 1/64। 64 यहाँ पे लिख लो, 1 यहाँ पे लिख लो, आई बात समझ में। ये 64 प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा और 1 जो है वो अपने एस आई सी आई के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिलहाल ये जो 64 है वो 64 नहीं है, कितना है एक्चुअल में, 15,000 है। ठीक है, तो ये एक कितना होगा, तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, 64 का भाग लगाना। देखो क्लियर है पूरी तरीके से। अब अगेन कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 से काटा, अगर मैं इसको 32 मिलता है, 2 से इसको काटता हूँ तो यहाँ पे 7, 5 और 00 7,500 मिल रहा है। उसके बाद अगर अगेन मैं इसको 2 से काटता हूँ मुझे 16 मिल रहा है। अगर इसको 2 से काटता है तो 3, 7, 5 और 0 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको आगे और 2 से काटता हूँ, यहाँ से 8 मिलता है, यहाँ से कितना मिल रहा है देखो, एक एक आगे चला गया, 8 और उसके बाद 7 और उसके बाद 5। 8 का डिवाइड लगा लेते हैं, 8 दो बार में 16 तक जा रहा है, 2 आगे चला जाएगा, 8 × 3 = 24, 3 चला जाएगा, 8 × 32, 334 पॉइंट समथिंग के अंदर इसका आंसर है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है गाइस? तो कैलकुलेशन जरूर मिलेगी आपको एस आई सी आई के अंदर, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही कम है, और कैलकुलेशन के लिए भी आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको बस स्क्वायर्स आने चाहिए, चाहे स्क्वायर आपको 150 तक ही क्यों ना हो। उसकी ट्रिक्स होती है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा 1 से लेके 30 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। इसके अलावा जैसे 31 है, 41 है, 51 है, इन 3 नंबर्स के क्यूब आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि ये ज्यादा रिपीट होते हैं इस टाइप के इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा आपको टेबल एटलीस्ट 25 या 20 तक जो है पूरी पूरी याद होनी चाहिए। कैलकुलेशन बस मेन फंडा कैलकुलेशन का यहीं पे आके अटकता है। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। अपन नेक्स्ट पार्ट जल्दी से शुरू करेंगे, उसके अंदर आगे वाले सवालों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, थैंक यू।